नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की आज की हलचल में सबसे पहले जिक्र अहिंसा रैली का, जिसमें सीएम ने कहा, आज प्रासंगिक है ये अहिंसा का रास्ता। मेरा मानना है कि जहाँ शांति होती है परिवार में, वही परिवार आगे बढ़ता है। जहाँ शांति होती है वही गांव, वही प्रदेश, वही देश आगे बढ़ता है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। आरटीई के तहत बच्चों के लिए अब 12वीं तक की पढ़ाई हुई मुफ्त और राजस्व अर्जन में माइंस विभाग का रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं अरिंदम और मेरे साथ सालेहा। राज्य के प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। हर मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपए की लागत से होगा। राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने और आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजमैस के अधीन नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे, साथ ही इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर और बुक्स की खरीद के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में 20 नए पद बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में सहायक आचार्य के 3, सीनियर रेजिडेंट्स के 2, जूनियर रेजिडेंट्स के 4 पदों के साथ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, टेक्नीशियन और कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित कुल 20 पदों का सृजन किया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा और शांति के रास्ते ही हम आगे बढ़ेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री का। आज उन्होंने श्री महावीर जैन दिगंबर विद्यालय से अहिंसा रन का फ्लैग ऑफ कर धावकों का उत्साहवर्धन किया। इसका आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो की ओर से किया गया। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि भगवान महावीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सत्य के आदर्श आज भी प्रासंगिक है। मैं समझता हूँ कि जो देश में आज हालात हैं, हम लोग रोज कहते हैं कि शांति और अहिंसा की जरूरत है, और सभा के साथ आपको मालूम है कि पूरे देश के अंदर एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर शांति व अहिंसा का विभाग बनाया हम लोगों ने। आप सोच सकते हैं कि आज प्रासंगिक है अहिंसा और शांति का संदेश घर घर तक पहुँचे। ये भगवान महावीर का उद्देश्य भी संदेश था और यही महात्मा गांधी का संदेश था। सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलकर चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा, ये मेरी भावना है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में सभी का आह्वान किया कि भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह के संदेश को आत्मसात कर लोग समरस समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। करौली जिले के अहिंसा नगरी श्री महावीर जी में आज से लक्खी मेले की शुरुआत हुई। मुख्य मंदिर को इस मौके पर आकर्षक रूप से सजाया गया है। वहीं महावीर जी में दूर दूर तक भगवान महावीर के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। मेले में देश के विभिन्न भागों से जैन धर्मावलंबी पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसके लिए रोडवेज विभाग ने 30 स्पेशल बसों का भी संचालन किया है। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और राजस्थान रणजी टीम के नियमित सदस्य रहे सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। सीएम ने अपने शोक संदेश में इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। आपको ये भी बता दें कि हाल ही में बजट में मुख्यमंत्री ने उनके नाम पर हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित करने की भी घोषणा की थी। प्रदेश में बच्चों एवं युवाओं की रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ से हो सके, इस दृष्टि में प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 105 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आकाशवाणी जोधपुर के वरिष्ठ उद्घोषक जफर खान सिंधी का आज निधन हो गया। वे लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने आकाशवाणी का अपना सफर चूरू केंद्र से 1993 में शुरू किया था। वे एक मशहूर मंच संचालक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल संचालन किया। मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी मधुर आवाज हमेशा राजस्थान में रची बसी रहेगी। नमस्कार, हाजिर हूं मैं इन सुरीली यात्रा और यात्रु जफर खान सिंधी। आसमां से बातें करता राजपूती, आन बान और शान का परचम फहराता, केसरिया बालम पधारो महरे देश का तराना सुनाता। मैं हूँ
मेहरानगढ़। प्रदेश के निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत पढ़ने वाले 12वीं तक के लड़कों की शिक्षा अब निशुल्क होगी। मुख्यमंत्री ने इनकी फीस भरपाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर 46 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तक आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए ही थी। सीएम ने वर्ष 2023-24 के बजट में इसे बढ़ाकर 12वीं तक करने का ऐलान किया था। वनस्थली विद्यापीठ का आज 39वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसमें शिरकत की। वनस्थली सेवा दल के बैंड ने उन्हें सलामी दी। राज्यपाल ने समारोह में अपने संबोधन में कहा कि विद्यापीठ शिक्षा को पूर्ण रूप से सार्थक कर रहा है और विश्व में अपनी एक पहचान के रूप में ख्याति प्राप्त है। इस अवसर पर राज्यपाल ने विद्यापीठ की विभिन्न संकायों की 4,864 छात्राओं को उपाधियां और 126 छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किए। जो ग्रामीण पुनरुत्थान से आरंभ होकर आज एक श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में देश विदेश में जानी जाती है। यहाँ का यह आवासीय विश्वविद्यालय भी प्राचीन गुरुकुलों की तरह ही है। किसी परिवार में एक महिला यदि शिक्षित हो जाती है तो दो परिवार उससे लाभान्वित होते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे आंदोलनों की जरूरत देश में इसलिए पड़ी कि बेटियां एक समाज में पढ़ लेती हैं और उनका आशीर्वाद बचा रहता है तो भारत फिर से विश्वगुरु बनने की राह पर चल सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। राजस्थान के माइंस विभाग ने राजस्व अर्जन में कीर्तिमान बनाया है। ACS माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष में विभाग ने 7,211 करोड़ 69 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व हासिल किया है। उन्होंने बताया कि अब तक का ये किसी एक वित्त वर्ष का सबसे ज्यादा राजस्व होने के साथ ही पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 816 करोड़ रुपए ज्यादा है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने रिकॉर्ड राजस्व अर्जन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये गहलोत सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली, प्रभावी मॉनिटरिंग, टीम भावना और समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है। अब सुनिए जिलों का राउंडअप। भीलवाड़ा जिले के प्रभारी और प्रदेश के जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी आज एक दिन के भीलवाड़ा जिले के दौरे पर आए। यहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और प्रेस से भी रूबरू हुए। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने राजस्व वसूली और बिजली छीजत को कम कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 100.89% राजस्व वसूली की है। निगम की बिजली छीजत भी पिछले साल के मुकाबले घटकर कम रह गई है। प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने डिस्कॉम के हजारों कर्मचारियों को इसका श्रेय दिया है। डूंगरपुर कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री के प्रयासों से डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पर बेबी फीडिंग रूम बनाने की अनुमति मिल गई है। इसके निर्माण का सारा खर्च जिला प्रशासन वहन करेगा। इससे शिशुओं के साथ सफर करने वाली माताओं को बड़ी राहत मिलेगी। और लीजिए अब सुनिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मेरी स्टेशन रोड पे रेडीमेड की दुकान है। ई मित्र की सहायता से मुझे इंदिरा क्रेडिट योजना का पता चला और मैंने फॉर्म सबमिट किया। इसके तहत मेरे को 50,000 का बिना ब्याज का लोन प्राप्त हुआ था और उसकी सहायता से मैंने वो लोन प्राप्त किया और मैंने मेरे व्यापार में लगा और मेरे व्यापार में बढ़ोतरी भी हुई और मेरी आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई। इसलिए मैं राजस्थान सरकार और माननीय अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद। ये हैं जयपुर के जितेंद्र सिंह। राजस्थान में 2021-22 में लागू की गई इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स, असंगठित सेवा क्षेत्रों के युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। इस योजना के तहत सार्वजनिक, निजी या सहकारी बैंकों के माध्यम से 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपकी आयु 18 से 40 साल है, साथ ही आपकी मासिक आय 15,000 और परिवार की मासिक आय 50,000 रुपए से कम है तो आप इस योजना के पात्र हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऋण का 100% ब्याज राज्य सरकार बतौर अनुदान वहन करती है, यानी लाभार्थियों के लिए कर्ज ब्याज मुक्त होगा। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा।